भारतीय सेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने के लिए आर्मी ने मूल्यांकन के जो पैमाने तय किए हैं वो मनमाने हैं और भेदभाव से भरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें यह मानना ही पड़ेगा कि यह समाज पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाया गया है। समाज में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अभी भी मौजूद हैं जो भले ही नुकसानदेह न लगे लेकिन महिलाओं के लिए वो बहुत ही नुकसानदेह हैं। ये स्ट्रक्चर चुपचाप से पैट्रियार्की को मजबूत करते रहते हैं। अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो महिलाओं को कभी भी उनको सम्मान अवसर नहीं मिल पाएगा। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? महिला अधिकारियों से जुड़ा हुआ परमानेंट कमीशन का पूरा मामला क्या है? सेना में महिलाओं के साथ किस तरीके का भेदभाव होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में 11 महिला आर्मी ऑफिसर्स ने याचिका डाली थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर के बाद भी उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा है। परमानेंट कमीशन देने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं वो मनमानी और पक्षपाती हैं। दरअसल सैन्य सेवाओं में महिलाओं की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर होती है। इसके तहत 14 साल की सर्विस के बाद उन्हें रिटायर्ड होना पड़ता है। यही नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत नियुक्ति हुई महिलाएं यानी कि फीमेल ऑफिसर्स को जंग के मैदान के अलावा आर्मी की सपोर्टिंग टुकड़ियों में तैनात किया जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की ये महिलाएं उच्च रैंक पर भी नहीं पहुंच पाती जिन्हें कमांड पोस्ट कहा जाता है। वहीं परमानेंट कमीशन में 14 साल की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। पिछले साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आर्मी की हर स्ट्रीम में महिलाएं परमानेंट कमीशन के लिए योग्य होंगी। कोर्ट ने इसके लिए आर्मी को एक बोर्ड बनाने का निर्देश भी दिया था। इस बोर्ड को परमानेंट कमीशन के लिए महिला ऑफिसर्स का मूल्यांकन करना था। सरकार ने बोर्ड की स्थापना तो की लेकिन अब हुआ ये कि कई महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन नहीं मिला। बोर्ड ने उन्हें इस काबिल ही नहीं पाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी, कहा कि आर्मी बोर्ड उनके साथ कई स्तरों पर भेदभाव कर रहा है, जैसे कि 45 साल की महिला ऑफिसर्स की फिटनेस 25 या 30 वर्ष के पुरुष अधिकारी के स्टैंडर्ड से मापी जाती है। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। उनके अलावा अप्रेजल रिपोर्ट को सर्विस के केवल 5वें और 10वें साल तक ही कंडीशंस किया जाता है, जबकि पुरुष अधिकारियों की आगे की भी रिपोर्ट कंडीशंस की जाती है। ऑफिसर्स ने अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि बोर्ड में निर्णायक पदों पर अधिकारी पुरुष ही बैठे हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर इस साल 11 महिला अफसर्स ने 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका में कोर्ट ने 27 जनवरी को सुनवाई की थी। सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह शामिल थे। बेंच ने महिला अधिकारियों के आरोपों को सही पाया है और 137 पेज के जजमेंट में कुछ बेहद जरूरी बातें कही हैं। साथ ही कोर्ट ने भारतीय सेना को यह निर्देश भी दिया है कि 650 महिला अधिकारियों की परमानेंट कमीशन देने के एप्लीकेशंस पर फिर से विचार करें। यह काम अगले 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने के लिए चयन का जो पैमाना है वो उसके साथ संस्थागत भेदभाव कर रहा है और इसमें पुरुषवादी सोच बहुत अंदर तक धंसी हुई है। बेंच ने पाया कि जहां एक तरफ महिला अधिकारियों की अप्रेजल रिपोर्ट को कंडीशंस करने का तरीका पक्षपाती है, वहीं उसकी मेडिकल फिटनेस भी मनमाने तरीके से आंकी जाती है। ऐसे कि एकदम फिट वीमेन ऑफिसर्स को भी इस पैमाने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं उन महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशंस के काबिल नहीं पाया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च और बहादुरी का प्रदर्शन किया, जिन्होंने देश के लिए सम्मान कमाया और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के साथ हैवी कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी काम किया। बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह काफी नहीं है कि सेना के लोग कहें कि हम महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में सर्विस देने का मौका दे रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे अलहदा है। बराबरी का भ्रम पैदा करने और असली बराबरी में बहुत अंतर होता है। बराबरी का भ्रम संविधान के साथ धोखा है। महिला ऑफिसर्स की याचिकाओं में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बिना परमानेंट कमीशन के रिटायरमेंट होने पर उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी और 40 से 45 साल की उम्र में उनके पास किसी दूसरी सरकारी नौकरी का भी ऑप्शन नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में भी कैरियर के चांस बहुत कम होंगे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की दलीलें संविधान के बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।